नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में, और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी। सर, स्वागत आपका धक्कड़ है हरियाणा में। सर, आप बड़े विमुख रहते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बड़ी आपकी आवाज बुलंद रहती है, क्या कारण है? स्वभाव है पाखंडवाद से लड़ने का, और बचपन से हमको हमारे पिता ने वैसे ही ट्रेनिंग किया, और जिसके कारण भूपेश बघेल को हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम देहाती आदमी हैं, लेकिन खेती किसानी में परिपक्व हैं, और देश को नई व्यवस्था देना चाहते हैं, ताकि देश में, दुनिया में जो रोटी का अभाव होने वाला है, उसके हिसाब से, जैसे पाकिस्तान आज रोटी के लिए बेटा तड़प रहा है और उसको आवश्यकता है रोटी की, तो हम उसमें सहायता करना चाहते हैं। मुंबई में सर आरपीए का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, आप भी उसमें शामिल हुए और पार्टी से राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वह अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई उसको भी हम आप समझ लीजिए, क्योंकि हमको चीफ गेस्ट बनाया और कुर्सियों को, एक बड़ी कुर्सी ला करके हमको डैमेज किया गया, तो उसके लिए निकाले जी ने माफ़ी मांगी है और हम उनको माफ़ी दे दिए, और उनको 1 लाख रुपया हमने देने का वचन दिया है 1 महीने के बाद। आप पूरे देश भर में युवाओं को सम्मानित भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, तो ये जो सहयोग की भावना कहाँ से पनपी है सर? सहयोग नहीं देंगे तो वो लोग आर्थिक सहयोग के बिना जो उनकी इच्छा है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे 3 साल पहले हम यहाँ हरियाणा आए थे और उनको, क्या नाम उनका, सुनील गहलोत को 3 साल पहले हमने चुना कि ये लड़का मुख्यमंत्री के लायक है, तो आज वो साबित हो रहा है, वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे और लड़ेंगे। और अभी 25 विधायक डिप्यूट कर चुके हैं, अब हमारा आगे आगे ये कहना है कि वो सरपंचों की मदद से और शेष 45 विधायक फिर से खड़ा करें, और छत्तीसगढ़ में तो ये हो रहा है कि हम 90 का 90 विधानसभा जीतेंगे और बीजेपी कोरा हो जाएगा, और आगे सदन में विरोधी पार्टी नहीं रहेगा, लेकिन मंथन जरूर होगा, इसलिए हमने 90 का 90 सीट छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। हमारा कहना है कि सुनील गहलोत सब किसानों को एकजुट करके और हरियाणा के खजाने को किसानों में वो बांटे, ताकि किसानों की जो शिकायत है उससे वो मुक्त हो जाए और नए हरियाणा का निर्माण करें। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में एकता है, एक रूपता है, क्योंकि 90 विधानसभा हरियाणा में भी है और 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में भी है, दोनों में एक रूपता है, और इसलिए हम वहाँ छत्तीसगढ़ में निर्विरोध चुनेंगे और 90 का 90 सीट हम जीतेंगे। भूपेश का बहुत कड़ी मेहनत है, उसी तरह सुनील गहलोत भी काम करें और 90 का 90 सीट नहीं जीत सकें तो कम से कम 70-80 सीट
वो जीतें और हरियाणा के पैसे को किसानों को पंचायतों को वो बांटें और पंचायत संपन्न हो जाए, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग शिक्षित बने और अपने शेर बने और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। और ये हम दलित शोषित समाज के को संदेश देते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पाखंडवाद पर बोलने पर आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, सर क्या कहना चाहेंगे, डरने वाले हैं या नहीं? नहीं, हम तो मरने के लिए तैयार हैं और इच्छा मृत्यु हमने मांगा है और राष्ट्रपति को अनुसुईया के राजप्रधान को के खिलाफ शिकायत करेंगे और राष्ट्रपति उनको समझाया कि मोदी के अब दावेदार नहीं है अनुसुईया के, और अनुसुईया के ने तो हमारा बहुत मदद किया है और सारे पिछड़ा वर्ग हमारे पक्ष में आ गए हैं। अब बेअधर है बीजेपी और मंदिरवाद और देवी देवतावाद ईश्वरवाद, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपने विवेक से काम लेंगे और वही हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। बुद्धमय भारत बनाएंगे यह हमने तय किया है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर हम एक नए भारत बनाएंगे, शक्तिशाली भारत बनाएंगे जिसमें गरीब किसान मजदूर और दलित शोषित लोग सर्वहारा का अन्यायवाद चलाएंगे और एक नया भारत बनेगा। सर कुछ महिला पहलवान और उसके बाद पूरे देश की जो महिला पहलवान थी उन्होंने बीजेपी के जो सांसद हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उसके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज किया है ना उनको खेल कुश्ती संघ के पद से हटाया है। इसी बात की तो लड़ाई है और इस बात को की लड़ाई हम लड़ेंगे और रामायण में जो लिखा है कि ढोर गवनार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, वो गलत है। तो राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं भारत यात्रा, तो उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा सर, वापस लौट पाएगी कांग्रेस? हाँ यदि राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं वो अद्भुत है और उन्होंने जो रास्ता निकाला है भारत जोड़ो आंदोलन बहुत अच्छा है और हम उसके फॉलोअर हैं और भारत तमाम छोटी पार्टियों को एकजुट करके राहुल गांधी के साथ करेंगे। सर खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर कितना इफेक्ट पड़ पाएगा? खड़गे जी चमार जाति के हैं, जूता बनाने वाले थे और उनको उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर बहुत अच्छा काम किया है और उनका हम समर्थक हैं खड़गे जी का, और खड़गे जी महान विचारक है और जो उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ नंद कुमार जी बघेल, सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, मैं वेद प्रकाश सहयोग विद्या पहलवान के साथ।